इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कॉलरशिप 2022-23 के बारे में, किसका स्कॉलरशिप 10 जनवरी से आना स्टार्ट होगा, किसका 24 फरवरी से, किसका 10 मार्च से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो उनके स्टेटस पे शो हो रहा है वेरीफाइड हर जगह। कई सारे स्टूडेंट्स का पेंडिंग शो हो रहा है, पेंडिंग एट बैंक, पेंडिंग एट PFMS। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका शो हो रहा है कि लास्ट ईयर रोल नंबर डाटा एंड मार्क्स आर नॉट मैच्ड, और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पे रिजेक्टेड शो हो रहा है। तो इस वीडियो में लोग यही बात करेंगे कि जिनके पे पेंडिंग या फिर नॉट मैच शो हो रहा है वो करेक्ट कब करेंगे, कैसे करेंगे, और जिनके पे रिजेक्टेड दिखा रहा है क्या उनका स्कॉलरशिप आएगा या नहीं, और जिनका वेरीफाइड दिखा रहा है हर जगह उनका स्कॉलरशिप कब से आना स्टार्ट होगा। तो चलिए वीडियो को बात करें करेक्शन डेट की, तो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर कमेटी के ऑफिसर GR प्रजापति ने कहा है कि करेक्शन डेट 19 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में रहेगा। इसके बीच में आप अपना जो भी डाटा इनकरेक्ट है उसको करेक्ट कर सकते हैं, और करेक्ट करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो, जो मार्कशीट है वो, और करेक्टेड फॉर्म ले जाकर अपने इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि जिनका 10th का रोल नंबर करेक्शन टाइम पे आप अपना 10th का रोल नंबर नहीं चेंज कर सकते हैं, और जिनके पे शो हो रहा है रिजेक्टेड सॉरी पेंडिंग एट बैंक, वो अपना आधार कार्ड का मैपिंग करा सकते हैं। और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कई सारे नहीं, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पे रिजेक्टेड शो हो रहा है, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। उनके बहुत कम चांसेस हैं स्कॉलरशिप आने के, क्योंकि कोई ना कोई डाटा ऐसा है जो इनकरेक्ट फिल किया हुआ होगा या फिर फेक होगा, उसके वजह से ऐसा शो हो रहा है। लेकिन बहुत सारे कम ही ऐसे बच्चे जिनके पे ऐसा शो हो रहा है। अब हम अगर स्टेटस चेक करते हैं, कभी मेरे पास भी कई सारे स्टूडेंट्स का स्टेटस अगर हम उसमें दिखाएं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके स्टेटस पे शो हो रहा है कि लास्ट ईयर डाटा नॉट मैच, तो वो अपना जो डाटा है वो करेक्ट करेंगे 19 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में, और करेक्ट करने के पास जो भी फॉर्म होगा वापस इंस्टीट्यूशन में उनको सबमिट करना होगा। उसके बाद से जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि कब किसका जो स्कॉलरशिप है वो कब आएगा। तो तीन केसेस हैं इसमें। जो सबसे पहला केस है वो ये है कि तीनों वेरीफाइड जिसपे शो हो रहा है, वेरीफाइड बाय बैंक, वेरीफाइड बाय PFMS, वेरीफाइड एट डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी, तो उनका जो स्कॉलरशिप है वो 10 जनवरी से आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि बहुत जल्द। तो दूसरा जो केस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका लास्ट ईयर नॉट मैच्ड दिखा रहा है और पेंडिंग एट PFM ये डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी दिखा रहा है, तो वो अगर उनका जो डाटा है वो करेक्ट हो जाता है थोड़े देर में 10 जनवरी से पहले, तो फिर उनका स्कॉलरशिप आ जाएगा, नहीं तो उनका स्कॉलरशिप करेक्ट करने के बाद 24 फरवरी से आना स्टार्ट होगा। और जिनका तीनों पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग बाय एट PFMS, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी, उनको करेक्ट करने के बाद 10 मार्च से आना स्टार्ट होगा। तो ये तीन डेट हो गए। अब हम जल्दी आपको बता देते हैं कैसे स्टेटस चेक करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता स्टेटस कैसे चेक करना है और कहाँ से इन्फॉर्मेशन डेली अपडेट मिलेगा स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, वो भी हम बताएंगे, और कैसे करेक्ट करना है चलिए हम उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है www.upscholarship.gov.in/2023 वो आपको गूगल पे सर्च करना है, या फिर आप सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके वहाँ पे भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। ये सर्च करेंगे आप गूगल पे तो फिर ऐसा कुछ ओपन होके आएगा, और जो सबसे टॉप पे दिख रहा है आप वो क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होके आएगा लाइक दिस, वहाँ पे थ्री लाइन बने हुए हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स पे जाएंगे। स्टूडेंट पे जाने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन, इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर या फिर जो भी आप अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको अपना डिटेल फिल करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड पासवर्ड, देन कैप्चा। ये क्लिक करने के बाद आपका जो स्कॉलरशिप का वो है लॉगिन हो जाएगा और आपको स्टेटस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, आप 20 से 30 सेकंड स्किप कर सकते हैं। डिटेल फिल करने के बाद सबमिट करना है, और सबमिट करने पे ऐसा कुछ ओपन होके आएगा। यहाँ नीचे हमको
जो फिल किया था स्कॉलरशिप फिल करने का टाइम, ऑब्टेंड मार्क्स वो भी शो हो रहा है, और अटेंडेंस परसेंटेज जो इंस्टीट्यूशन ने फिल किया वो भी शो हो रहा है, लेकिन अभी हमें स्टेटस शो नहीं हो रहा है। स्टेटस के लिए हमें जो ऊपर टॉप पे 3 लाइन बने हुए हैं उस पर हम क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो चेक करेंट स्टेटस दिखा रहा है इस पर हम अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा स्टेटस ओपन होके आ जाएगा। और यहाँ पे रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस दिखा रहा है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर वेरीफाइड डाटा एनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच्ड दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, और जब करेक्शन डेट आएगा तो आपको ये जो थर्ड क्लिक कर जो इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं पर जहाँ पर ये सारे स्टेटस के ऑप्शन दिए हुए हैं यहीं पे कहीं ना कहीं आपको करेक्शन करेक्ट करने का भी नीचे ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्कॉलरशिप से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आगे के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको वीडियो बना के उसका अपडेट दे देंगे।